Hey guys, welcome back to GKP 360, जो हम लोग के फॉर्मूला बचे फटाफट उसको खत्म पहले खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो cot x अगर तुम लोग को फॉर्मूला बोलता है तो क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में अगर तुमको दिया है कि cot 4x, तो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये cot 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, ठीक है यार। फोन मुझसे निकाल दे, मुझे उठाना मत, छोड़ना, बाद में करते हम लोग, ठीक है। उसको रख दे यार, फोन ही लोग करने लग जाते हैं यार, उसको साइलेंट पे रख दे, बाजू में घर घर के आवाज आती है, ठीक है। तो माइनस cosec स्क्वायर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो माइनस cosec स्क्वायर 4x, अब 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 को मैंने बाहर ले लिया और ये कितना का डेरिवेटिव ऑफ x हो गया, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर 4x इंटू 4 इंटू 1, और 4 अंदर कितना का 4, तो कितना गया, माइनस 4 cosec स्क्वायर 4x। तो इसी के साथ तुम लोग सारे फॉर्मूले इधर ऐसे से करने हैं, मतलब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, मैं देखो सारे फॉर्मूले तुम लोग को इसलिए बता रहा हूं अप्लाई करना, क्योंकि होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो नहीं चाहता, ठीक है। अब लास्ट वाला सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बचा है, वो हम लोग करके इसको ट्रिग्नोमेट्री का खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आया cosec x, तो आंसर क्या होगा इसका, माइनस cosec x cot x, ठीक है, मतलब ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो अगर तुमको बोला कि cosec 5x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या करेंगे, cosec 5x का फॉर्मूला क्या है, माइनस cosec 5x और cot 5x हो जाएगा, तो माइनस cosec 5x cot 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, मतलब x का फंक्शन साथ में ले लिया, वही 5 आ रहेगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो माइनस 5 cosec cosec 5x और cot 5x। तो अगर तुम लोग गौर से देखे होगे, देखो जितने ही फॉर्मूला c से स्टार्ट हुआ सब क्या माइनस आया, इधर भी c से स्टार्ट हुआ माइनस आया, ठीक है। तो बस यार इतना ही बोला था, वीडियो पसंद है लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूला खत्म हो चुके हैं, जो एक दो फॉर्मूला यूवी रूल है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 9, 10, 11, 12 सब आ रहा है ऑफलाइन वीडियोस के लिए, अगर तुम लोग मेरा मुंबई के आसपास रह रहे हो, ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम लोग मेरा आसपास मुंबई में रह रहे हो, कहीं दूर रहे तो और तुम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, 8425936062 इस नंबर में तुम लोग कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो, सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर दिएंगे। या तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा, तुम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरे फॉलो करो, हस्ती_सैयद पे सब चीज़ तुम लोग उधर मिल जाएगी। बस इतना ही बोला था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।